जब हम आपको लेने गए ना तो हमने जब उसको पैसे दिए तो बहुत लंबा सा आदमी था एक, तो वो बॉस होगा। पता नहीं, मैंने उसकी शक्ल देखी है आपने? हाँ देखी है। लेकिन थोड़ी सी देखी थी, जल्दी से सब कुछ हो गया था। और वो छोटा वाला, उसकी भी शक्ल नहीं देखी आपने? नहीं। अच्छा बेटा जाओ बेटा। हाँ बाबा, हमें कोई नई बात तो पता ही नहीं चली, ये सारी बातें तो हम पहले से ही जानते थे। जाओ बेटा। मेरे ख्याल से बाबा हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। That's right. We'll do that. Welcome to you, sir. I'm very glad to see you hale and hearty again. अच्छा इन दोनों बुकेस में से तुम्हारा कौन सा है? आप गेस कीजिए। सबको लगता है कि पापा की तरह मुझे भी लाल गुलाब पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ये सफेद लिली बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मैंने लोला को अपने पसंद के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे यही सफेद फूल भेजे। यू रॉन्ग सर, ये सफेद फूल मैंने दिए हैं। टूट गया हूं नताशा, टूट गया हूं। टुकड़ों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल। हेलो लोला, आज रात को मैं यही क्लब में रहूंगा। ओके, गुड नाइट। लेकिन सिर्फ रोमांस से जिंदगी नहीं गुजरती, जिंदगी जीने के लिए कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। पड़ती होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये छोटा सा कमरा जिसमें तुम मेरे साथ रहते हो जन्नत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी यही सादगी तो मेरे दिल को छू लेती है नताशा। तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हो। काश यही खुशनसीबी मुझे भी हासिल होती। मिलोट, मिलोट, राहुल खन्ना के लिए शादी, शादी सिर्फ एक धोखा साबित हुई। मेरी बहन मिस लोला सोनी, जिन्हें मैं दीदी कहती हूँ, दीदी, उन्होंने उनके प्यार का सहारा लेकर
उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि राहुल खन्ना एक नेक, साफ सुथरे और बेदाग इंसान है। उन पर कोई दाग नहीं लगा सकता मिलोर, मैं ये जानती हूँ, उन पर कोई दाग नहीं लगा सकता, वो बिल्कुल बेदाग है। इस जॉब के कारण मैं आशु की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर पाऊंगी, उसका खर्च बहुत ही आसानी से उठा पाऊंगी, उसकी बहुत अच्छी तरीके से परवरिश कर सकूंगी। मैं आशु से बहुत प्यार करती हूँ, उसे बहुत चाहती हूँ, उसे अपने करीब रखना चाहती हूँ। मैं आशु की माँ की जगह लेना चाहती हूँ। कुछ कह नहीं सकता, आशु से मिलने भी नहीं। फिलहाल तो मैं एक ही बात पूरे यकीन से कह सकता हूं, वो ये कि अगर पापा ने कभी मुझे बुलाया तो मैं कहीं भी रहूं फौरन आ जाऊंगा। अब तुम जाओ, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? नहीं, अब मैं अकेले ही चलूंगी। तुम जब भी लौट कर आओगे मुझे यही पाओगे। आ बेटा, आइए खन्ना साहब, बैठिए। थैंक यू। कुछ पता चला? देखिए, पता लगा है कि वो किडनैपर इसी शहर में है और हम लोग अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, असल में तो वो किडनैपर्स पाप के उस पेड़ के छोटे छोटे फल हैं। असल में जो जड़ है उसे क्यों नहीं पकड़ते? माफ करना, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमें सब कुछ मालूम है, फिर भी हम उन्हें पकड़ नहीं रहे। मालूम है इंस्पेक्टर साहब, फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? सोनी की। असल जड़ तो वो है लेकिन आपकी मेहरबानी से खुलेआम घूम रहा है। देखिए सर, वो एक इज्जतदार आदमी और हम लोग इज्जतदार। जनाब, उस इज्जतदार आदमी ने हमारी इज्जत उतार दी है, हमारे ही पैसों से हमारी कंपनी के शेयर्स धड़ाधड़ खरीद रहा है। पूछो जरा उससे कि करोड़ों रुपए कहां से आए उसके पास। देखिए, ये पूछना हमारा काम नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का काम है। तो इनकम टैक्स वालों से कहिए कि वो उससे पूछे। अली बेटा, एक प्लीज, वी कांट रिजॉल्व एनीथिंग बाय शाउटिंग एट ईच अदर। इंस्पेक्टर साहब, भाई शक की बिना पर आप कम से कम सोनी से पूछताछ तो कर सकते हैं। देखिए सर, हमारे शक के दायरे में जो भी आता है हम लोग अपने तरीके से उससे पूरी छानबीन और पूछताछ करते हैं, लेकिन कैसे क्या करते हैं इसकी डिटेल्स हम आपको नहीं दे सकते। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि उन तीन किडनैपर में एक लड़की है, और जब कभी किसी लड़की के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है तो जाहिर है कि वो उसे तुरंत खर्च करने की कोशिश करेगी। वो ज्वेलरी वगैरह खरीदेगी, शॉपिंग करेगी या किसी भी तरीके से पैसे खर्च करेगी, और ऐसी हर जगह पर हमने अपने आदमी लगा दिए हैं जहाँ वो पैसे खर्च करने के लिए जा सकती है। पर इस प्रोसेस में तो देर लग सकती है इंस्पेक्टर साहब, वो देश से बाहर भी भाग सकते हैं। सर, देश से बाहर जाने के लिए भी तो पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है, हम लोगों ने अपने आदमी वहां भी लगा रखे हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन इसमें कोई ढील नहीं छोड़ना। सर आप फिक्र मत करिए, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करेंगे। मैंने उससे ऐसी कोई भी गलत बात नहीं की, मैंने सिर्फ उसे साफ साफ, देखो पम्मी, मुझसे
अपनी इमोशंस छुपाए नहीं जाते, इसलिए मैंने उसे ये बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कन्फेस कर दिया बस। तो क्या? तो ये कि मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और क्या? राहुल तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? तुम प्लीज ऐसी बात मत करो पम्मी, इस दुनिया में मैं अब तुम्हारे सिवाय किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये तुम क्या कह रही हो? पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक सही फैसला किया है। पम्मी क्या वाकई तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? हाँ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती पम्मी? राहुल मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है पम्मी? राहुल मैं नताशा के दिल की हालत समझ सकती हूँ, वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मजबूरी से गई है और मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती। और फिर उसने तुम्हें तलाक भी तो नहीं दिया? इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? पम्मी एक बार फिर से सोच लो। इनफैक्ट मैं तुम्हें कल ही ऑफिस में एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी हमने मॉडिफिकेशन किए थे उसके सारे डिटेल्स इस फाइल में मौजूद हैं। देखो कैसे? रोहन, अब मुझे इस फाइल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या अब मुझे तुम्हें ये याद दिलाना होगा कि इस प्रोजेक्ट में तुम मेरे पार्टनर हो? समथिंग रॉन्ग पार्टनर? पार्टनर, इस अल्फाज से मुझे नफरत हो गई। यहाँ कोई किसी का पार्टनर नहीं है रोहन, सब मतलबी है, सब खुदगर्ज है। मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो गया हूं। मुझे कोई पहचानने की कोशिश नहीं करना चाहता। अब नताशा भी मुझे छोड़कर चली गई। Come on, relax, be practical. Come on. इस शहर से मेरा दिल भर गया रोहन, मैं कहीं और जाना चाहता हूं। अगर मैं कुछ देर भी यहां रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा, I'll get mad. मुझे जाना ही होगा। ये क्या कह रहे हो? हाँ? क्या कह रहे हो तुम? तो इस प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या होगा? रोहन, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं कि तुम ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से हैंडल करोगे। और रोहन, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। I will have to go. मुझे जाना ही होगा रोहन। Can I make a call, Rohan? If you don't mind. Please, should I go out? No, it's okay. मैं जानता हूं तुम मेरी आवाज पहचान गई। देखो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए या तुम्हें परेशान करने के लिए फोन नहीं किया। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। कहां जा रहे हो राहुल? रोहन, मैं चलूं? चाय लो। नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। आई एम सॉरी रोहन।
हेलो। हाँ बेटा, मैं करण खन्ना बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल जी। आंटी जी कैसी हैं? आंटी ठीक है बेटा, थैंक यू। बेटा दरअसल मैंने इसलिए फोन किया कि राहुल की कोई खबर नहीं काफी दिनों से। मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ मालूम हो। अंकल जी मुझे बस इतना पता है कि कोई शहर में नहीं है। शहर में नहीं, कहाँ है फिर? ये मैं नहीं जानती अंकल जी, बस वो शहर को छोड़कर कहीं चले गए। फिर से शहर छोड़कर चला गया। खैर बेटा, अगर तुम्हें कोई उसकी खबर मिले तो मुझे जरूर इत्तला करना। जी थैंक यू। वो फिर शहर छोड़ के चला गया? हाँ मोम साहब, वो फिर से शहर छोड़ के चला गया और अब तो पम्मी को भी नहीं पता कहाँ गया है। पता नहीं ऐसा क्यों करता है, एक जगह टिक क्यों नहीं बैठता। मैंने पम्मी को फोन किया था, मैंने कहा पूछूं कहाँ है, उसे बुलाऊं ताकि वो अली का हाथ बटाए आके हम फिर से अपना कारोबार खड़ा कर सकें। पता नहीं कहाँ चला जाता है। शायद उसे तुम्हारा मारना बुरा लगा हो। उस दिन तुमने सबके सामने उसे मार दिया। करण जवान बेटी को थप्पड़ नहीं मारते। लेकिन मेम साहब उसने हरकत ही ऐसी की थी। जब उसे समझा के भेजा था कि पुलिस के पास बिल्कुल ना जाए, फिर भी उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आशु की जान को खतरा हो सकता था मेम साहब। और अगर एक बाप ने बेटे को थप्पड़ मार दिया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया। वैसे मारना नहीं चाहिए था मुझे मालूम। हम कहां से उसे ढूंढ निकालेंगे, उसका पता कहां मिलेगा? सर अभी जो मैडम अंदर गई उनसे मिला। हेलो। हेलो मैडम। हाँ मैं अभी अब हमारी शॉप पे कुछ सामान खरीदने आए थे। आपने सारे पैकेट लिए लेकिन एक पैकेट आप भूल गई वहाँ पे, और वो मैं पैकेट आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ओ या आप क्या होटल से बोल रहे हैं? होटल की लॉबी से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाइए प्लीज़ का।